देखो भाई, सऊदी अरब में लोग कैसे रहते हैं। देखो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4 लोग। गलती एक ही बार होता है, गाड़ी एक ही बार लड़ती है, उसके बाद आदमी खत्म हो जाता है। हेलो नमस्कार, मोहरब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं बैंक में, और बैंक में थोड़ा सा काम है, वो आपको दिखाऊंगा कि किस लिए हम जा रहे हैं, और जो सऊदी अरब में उनको थोड़ी सी जानकारी भी मिल जाएगी क्या कैसे होता है बैंक में, यहाँ का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। तो बने रहे इस वीडियो में, हम फटाफट से आपको बैंक पे मिलते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो एक दोस्त को भी लेना है, उसको घुमाने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद बैंक में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता है। उस दिन वीडियो में से भाग जा रहा था, अभी थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया है कैमरे का। अस्सलाम वालेकुम। और हीरो, अल्लाह बरकात हो, ठीक है। अभी नहीं डर लगता है कैमरे से कोई? ये मेट्रो जा रहा है, मेट्रो के साथ हम भी जा रहे हैं। अभी ट्रायल चल रहा है, लोग जो काम करने वाले रहते हैं ना, वही जाते हैं इस पे। अभी नॉर्मल लोगों के लिए चालू नहीं है, हो सकता है इस ईद पे चालू हो जाए। पिछले ईद पे चालू होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से सब डिले हो गया, तो देखते हैं क्या होता है। चालू हो जाना चाहिए। इधर कैमरा नहीं है, फोन वाला देखो भाई, बैंक हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर देखो, भीड़ काफी ज्यादा है, देखते नंबर आ जाता है कि नहीं अजान से पहले। हमारे फूफा हैं, यही घर है, लोकेशन तो यही बता रहा है, फोन किया आ रहे होंगे। अपनी गाड़ी इधर है। आ? अरे हमारे फूफा रहते हैं इधर, लोकेशन भेजे थे। पता नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ इधर। A few moments later. कब से गोल गोल घूम रहे हैं, लोकेशन गलत भेजने की वजह से कितना ज्यादा दिक्कत हो रहा है। अब उनके पास फोन लगा रहे हैं, उतने पढ़े लिखे है ही नहीं, अब दूसरे पास जाएंगे लोकेशन भेजवाएंगे, इसके वजह से कब से मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ वो गाड़ी है क्या किधर। लेकिन गाड़ी नहीं मिली, टाइम खाली वेस्ट हो रहा है, दिमाग खराब हो गया यार। वो लोकेशन बार बार गलत भेज रहे, कैसे आदमी मिलेगा। हाँ देखो, इधर खड़े हैं, अभी दिखाता हूँ, ये खड़े हैं ये। तब भी नहीं दिख रहे। सलाम वालेकुम, और ठीक है? हाँ सब ठीक। हाइया 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 वाह, यह अखराज कंपनी है ये। तो लोकेशन में हो, हम पीछे मस्जिद है ना, पीछे मस्जिद में जान तब ना हमारे नेट नहीं बस, ठीक ना। तो वो कंधा में भेजल गए लोकेशन, तो पीछे बतावे ला, एक वजह से हम खोजत चली एरिया और यहाँ देखो भाई, सऊदी अरब में लोग कैसे रहते हैं। देखो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4 लोग, ठीक है। देखो ऐसे एक ही रूम में सब मिलजुल के रहते हैं, और इंडिया में जाते ही सबका मूड बदल जाता है। यहाँ पे कोई नहीं देखता है कि कौन क्या है, जाति धर्म कुछ नहीं, सब एक साथ मिलजुल के, देखो सब खाना बनाते हैं एक साथ। इधर देख रहे, हुक्का भी चलता है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सीट बेल्ट दिखाने के लिए होता है कि सेफ्टी के लिए होता है? ये देखो, कब से बोल रहा हूँ सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन इसको दिक्कत हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है। आदमी सीट बेल्ट लगाए कब क्या हो जाए, किसको गारंटी है? अब सीट बेल्ट रहेगा तो आदमी कम से कम उछलेगा नहीं, मुंह नहीं फोड़ेगा इधर उधर लड़ा के। इधर से आए थे ना हम लोग, तो कभी भी गाड़ी चलाओ सीट बेल्ट लगा के चलाओ, अगर बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, क्योंकि आपके सेफ्टी के लिए होता है, ना कि भाव मारने के लिए। और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों की। ऐसा नहीं कि हाँ चलो मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, तो देखो भाई, गलती एक ही बार होता है, गाड़ी एक ही बार लड़ती है, उसके बाद आदमी खत्म हो जाता है। अब सीट बेल्ट लगा रहेगा तो कब गाड़ी लड़ेगी, तो तुमको सीट में यह बेल्ट किस लिए रहता है, तुमको ऐसा चिपका लेगा, हिलने डुलने नहीं देगा, कस देगा इसी के अंदर, तो तुम हिल डुल नहीं पाओगे, तो ना स्टेयरिंग में लड़ोगे ना डैशबोर्ड में लड़ोगे, तो बचने का चांस ज्यादा रहता है। ये होगा हाथ गोड़ टूट जाएगा अगर बगल से लगा तो, लेकिन बस तो जाओगे। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे बैंक में, देखते हैं अपडेट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो खड़ा होना काफी बेवकूफी वाला काम था, क्योंकि काफी ज्यादा लोग थे, भीड़ थे, तो भीड़ से दूरी रहो, अब आजकल कोरोना चल रहा पता है। तो अभी हम आ चुके हैं उसके मेन ब्रांच में, मतलब वो है तहवील अल राजी, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अल राजी बैंक होता है, तो आपका तहवील कार्ड भी अल राजी में चल जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं पैसा हमारा जमा हो जाता है या फिर नहीं। चलो फटाफट चलते हैं। तो
तो फाइनली हम रूम पे आ चुके हैं, मैंने बैंक में पैसा भी जमा कर दिया और मेरा अकाउंट जो है चालू हो चुका है, मेरा एटीएम कार्ड चालू हो चुका है। तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि उससे पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। जब भी आपको सऊदी अरब में इकामा रिन्यू करवाते हैं, यानी हर साल आपको इकामा रिन्यू करवाना पड़ता है, तो आपको अपना अकाउंट भी रिन्यू करवाना पड़ता है। जो भी आपका सऊदी अरब में अकाउंट है, हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत लगता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके लिए हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने कंट्री में नहीं है। तो यहाँ का जो भी पॉलिसी है, जो भी नियम कानून है, हमें उसे फॉलो करना ही पड़ता है। अब क्या है कि इन लोगों को जो सऊदी अरब के सिटीजन है, उनको ये सारी दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती है। जिस तरह से हम लोग इंडिया में अपना अकाउंट यूज करते हैं, सेम टू सेम वो भी इसी तरह से यूज कर पाते हैं, लेकिन हम लोग बाहर यहाँ काम करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए अलग से नियम कानून है। तो आपको किस तरह से अकाउंट अपडेट करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अकाउंट अपडेट करवाना है, अगर आपका अकाउंट एक्सपायर हो गया है, तो आपको सबसे पहले जाना है नियर किसी भी ब्रांच में। अलराजी का अकाउंट यूज करते हो तो आप अलराजी में जाओ। किसी किसी जगह मशीन लगाया होता है, आपको एक मिनट लगेगा, कर लोगे अगर आपको पता रहेगा, थोड़ा बहुत आप पढ़े लिखे हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। तो आपको जाना है मशीन के अंदर, अपना एटीएम कार्ड डालना है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपको अदर सेशन में जाना है। अदर में जाओगे तो आपको वहाँ पे अकाउंट अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको फिंगर लगाना है, ये वाला दाहिने हाथ का ये वाला फिंगर। जब आप लगाओगे तो आपका जो है अकाउंट अपडेट हो जाएगा, मशीन में लिख किया जाएगा कि आपका अकाउंट जो है योर अकाउंट इज अपडेट सक्सेसफुली। उसके बाद आप चले आओ घर पे, या फिर वहाँ पे आधा एक घंटा रुक सकते हो, आधा एक घंटा लगता है अकाउंट आपका अपडेट हो जाता है। वैसे बैंक वाले बोलते हैं 24 घंटा लगेगा, लेकिन मिनिमम आधा एक घंटे में हो जाता है। ज़्यादातर मतलब 80-90% चांस है कि आधा एक घंटे में आपका अकाउंट अपडेट हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, और आज का ब्लॉग भी एंड करने का समय आ चुका है। जो छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन थोड़ी सी हमने जानकारी शेयर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।